बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों में गर्मजोशी की बात करते हुए कहा कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो वास्तव में एक अलग भारत है। ये वो भारत है जो चंद्रयान 3 मिशन को पूरा करने में सक्षम है। ये वो भारत है जो सबसे शानदार G20 सम्मेलन आयोजित करने में सक्षम रहा। इसमें उन लोगों को गलत साबित किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम 20 देशों को एक साथ नहीं ला पाएंगे, ये कहा जा रहा था, लेकिन हमने उन्हें गलत साबित कर दिया। ये कोविन वाला भारत है जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान दिखाया कि वो ना सिर्फ अपने लोगों की देखभाल कर सकता है बल्कि दूसरे सैकड़ों देशों की मदद भी कर सकता है। भारत में सबसे तेज़ी से 5G सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। आज अगर भारत के कदमों में ऊर्जा है, आवाज़ में आत्मविश्वास है, तो इसके कई कारण हैं। ये 10 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हमारी क्षमताएं दोगुनी या तिगुनी हो चुकी है। सेलिब्रेटिंग कलर्स ऑफ फ्रेंडशिप कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि G20 की सफलता अमेरिकी सहयोग के बिना संभव नहीं थी। जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो हमेशा मेज़बान को श्रेय मिलता है, ये सही भी है, लेकिन इस समूह के सभी सदस्य देश आयोजन की सफलता के लिए काम नहीं करते तो ऐसा संभव नहीं था। अमेरिका के लिए आय अक्षर बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि लोग 1985 के राजीव गांधी, 2005 के मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई अमेरिकी दौरे को याद करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पीएम मोदी का हालिया दौरा अलग था। आप मुझसे पूछेंगे कि क्या बदलाव आए हैं, मैं कहूंगा कि भारत और अमेरिका पहले एक दूसरे के साथ सौदा करते थे और अब साथ काम करते हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच हाल के सहयोगात्मक प्रयासों को याद किया जो आई अक्षर से शुरू होते हैं। इनमें भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा यानी IMEEC, भारत इजराइल अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात I2U2, इंडो पैसिफिक सहयोग IPC और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल ICET शामिल है। जयशंकर ने कहा कि आई अक्षर निश्चित रूप से अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। पीएम मोदी से बेहतर आश्वस्त करने वाला कोई और नहीं हो सकता। विदेश मंत्री ने चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग का वाकया साझा किया और कहा कि जब चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होने वाली थी तब पीएम मोदी और मैं दक्षिण अफ्रीका में थे। हमने देखा कि वो किस तरीके से इसरो के संपर्क में थे। ऐसा इसलिए क्योंकि तनाव भरे माहौल में आप चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति साथ रहे जो आश्वस्त कर सके। यकीन करें, पीएम मोदी ने उनसे बेहतर कोई आश्वस्त नहीं कर सकता। बाइडेन प्रशासन के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने कहा कि अमेरिका भारत संबंध साझा विचारों और मूल्यों पर आधारित है। इनमें सबसे ऊपर लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता है। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी ने 1942 में तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखी थी और उन्हें थैरो और इमर्सन के लेखन से बहुत लाभ हुआ है। कुछ साल बाद डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने लिखा कि ये गांधी और उनका प्रेम था। अहिंसा से मैंने सामाजिक सुधार का तरीका खोजा और गांधी का दर्शन ही एकमात्र नैतिक और व्यवहारिक रूप से सही तरीका था जो प्रताड़ित लोगों के लिए स्वतंत्रता के संघर्ष में खुला था। भारतीय संस्कृति की विविधता और जीवंतता, साथ ही भारत अमेरिका संबंधों का जश्न मनाने के लिए भारतीय दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में वर्मा ने कहा कि अमेरिका और भारत के मूल्य सभी लोगों के लिए निष्पक्षता और न्याय की पक्षधर है। तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर से बेहतर हो रहे हैं और भारत और अमेरिका अब साथ काम कर रहा है, ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।